नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। लॉकडाउन के जिससे कोरोना वायरस की महामारी के कारण बहुत सी संस्थाओं ने मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे, लोगों को जागरूक किया कि इस कोरोना वायरस की महामारी से हम लोग कैसे बच सके। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने 5 लाख रुपये के मास्क बांटे हों ताकि लोगों को कोरोना वायरस की महामारी से छुटकारा मिले, लोग पोल्यूशन से बचें। और जिस तरह से हमने अभी मास्क पहना हुआ है, इसी तरह से लोग N95 मास्क, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज N95 मास्क होता है, वो इस संस्था ने बांटे हैं। बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे। सर, 5 लाख रुपये के N95 मास्क पहली बार एक संस्था ने बांटे हैं, अभी तक इतने महंगे मास्क किसी ने भी नहीं बांटे। देखिए, हमारी संस्था है अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ, जिसका कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों ने यहाँ सब लोग खड़े हैं संस्था के ही, अभी सबका मैं आपसे परिचय भी कराऊंगा। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि कोरोना की महामारी में गरीब आदमी जो कि इस बीमारी की वजह से मर रहा है, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि मास्क वो नहीं ले पाता, N95 मास्क नहीं ले पाता, जिसकी कि बाज़ार में कीमत 200-250 रुपये है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपनी संस्था के सब लोग मिलके अपने फंड से पैसा इकट्ठा करके ये काम करेंगे। तो आज सब ने मिलकर, सब मेरे साथियों ने पैसा इकट्ठा किया, तो हमने मिलकर ये आज मास्क बांटने का निर्णय लिया, और आज हम यहाँ 10,000 मास्क बांट रहे हैं। सोसाइटी में सर और भी बहुत से मास्क बांटे हैं, बहुत सी संस्थाओं ने बांटे हैं, जैसे आपने नॉर्मल मास्क लगा रखा है, N95 भी आपने क्यों सोचा? देखिए, N95 हमने इसलिए सोचा क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, 5 लेयर है, और इससे पूरा प्रोटेक्शन होता है। अगर इस मास्क का फ़ायदा ये है कि अगर आपके सामने कि कोविड पेशेंट भी आ जाए तो तब भी आप इससे बचाव कर सकते हैं, 99.5% इससे आपका बचाव हो सकता है। ज्योतिष महासंघ की तरफ से क्या संदेश रहेगा, संस्था कितने और प्रयास अभी कर रही है ऐसे? ज्योतिष महासंघ ने अभी पहले भी प्रयास किया था, जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सब साथियों ने मिलकर तकरीबन 1,000 राशन किट बांटी थी हमने, और अब हमने ये प्रयास किया कि 10,000 हम N95 मास्क बांटें। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और भी मास्क का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मेरी और भी संस्थाएं हैं, जैसे दिल्ली पंजाबी महासमाज है, RWA है, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट हूं नवीन छात्रा का, और साई स्वरण ग्लोबल फाउंडेशन, जिसका कि NGO है, जिसका कि मैं प्रेसिडेंट हूं। सभी लोगों ने मिलकर, आज यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इन सभी लोगों ने फंड दिया है, तब ये मास्क का प्रोग्राम हो पा रहा है। क्या कहना है सर, मनोज जी के द्वारा जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, अखिल भारतीय जो ज्योति महासंघ है, कितना अच्छा प्रयास है ये? नहीं, सराहनीय प्रयास है इनका, और हम सभी मिलकर इनके साथ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मैं ज्योतिष महासंघ के, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इनके साथ। जितनी भी कोशिश होगी हमारी, अच्छे से अच्छा प्रयास, यहाँ पे कनॉट प्लेस के दिल्ली के और भी हिस्सों में हम मास्क की सप्लाई से वितरण करेंगे इसका, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कोरोना की महामारी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, ये मैसेज देना चाहते हैं हम इसके। इनका बहुत जो प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है, और हम सब लोग इनके साथ हैं, हम भी महासंघ के सभी सदस्य हैं, और कोशिश करेंगे कि इस महामारी से जितना जल्दी हम लोग पीछे छुटा सकें और लोगों की हेल्प कर सकें, उतना हम लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहें। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत सही निर्णय है, और हमने इन सभी साथियों के साथ मिलकर मनोज जी से कहा कि भाई हम भी आपके साथ हैं और हम सब इस मुहिम में आपका जो है सहयोग देंगे। तो ये क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब इस समय सुरक्षा है, और अगर हम सब अपनी सुरक्षा सही से कर पाएंगे तो शायद इस महामारी से कई हद तक हम अपना बचाव कर सकते हैं। मेरा नाम आरती नंदा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बिकॉज अभी हम यहाँ देख ही रहे हैं कि पुलिस भी कितना एक्टिवली इस प्रमोशन को लेके कि आप मास्क पहनिए, अदरवाइज दे आर कटिंग द चलान्स एंड ऑल। बट हम लोग एज अ ह्यूमन बींग, एज अ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करें। सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है, बट हमें भी अपना ये प्रयास ज़रूर देना चाहिए इस महामारी में, और अपना जो योगदान हम दे सकें हमें ज़रूर देना चाहिए। मेरा नाम बीना कश्यप है, मैं अभी अभी रिसेंटली से जुड़ी हुई हूँ। जब मुझे पता चला कि हम आज मास्क वितरण करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी अपना योगदान दे सकूं सर के साथ। बताया आप अभी अभी जुड़ी हैं, कैसा लग रहा है इस महासंघ के साथ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, और मुझे लग रहा है कि हमें आगे भी ऐसे प्रयास करते रहेंगे हम वहाँ पे, और जो हमसे सहयोग होगा हम उनको सर को जरूर सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं मीनाक्षी अग्रवाल। आज हम मनोज सर के साथ यहाँ पर उनकी एक, जैसे कहते हैं, अपना सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर का जब सजेशन आया कि हम इस तरह से मास्क वितरण करना चाहते हैं, तो हमें वो सजेशन बहुत अच्छा लगा, हमने भी अपना प्रयास करा, कुछ योगदान उसमें डाला। आज जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं कुछ बच्चों को देख रही हूँ जिन्होंने मास्क पहने ही नहीं है,
हैं वो इतना एबल ही नहीं है कि मास्क खरीद सकें, तो वो उनके लिए मास्क लेना और उनको देना हमारे लिए बड़ा एक अच्छा कदम साबित होगा। एटलीस्ट वो एक जो मास्क पहनकर सेफ्टी जोन में जाएंगे उसको देखकर हमें बड़ी खुशी होगी, तो आगे भी हमारे ऐसे ही प्रयास रहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य सुदेश शर्मा, अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु महापरिषद की महासचिव, और बहुत अच्छा प्रयास है मनोज जी का, और ये अध्यक्ष के तौर पर ही नहीं, एक हम लोगों के साथ तो बिल्कुल भाई बहनों वाला, मतलब एक परिवार वाला, सदस्य वाला जो है, बहुत अच्छा इनका तालमेल रहा है। और ये जो निर्णय था इनका, अपना व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन इन्होंने हम लोगों को जोड़ा, ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है उनके लिए। नहीं तो चाहते तो अकेले भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का सहयोग भी इसमें उन्होंने लिया, तो हम भी कृतार्थ हैं उनके इस सहयोग से, और उनके साथ हैं हमेशा। जो भी सदस्य आगे भी कोई ऐसा कदम उठाएंगे, तो स्लम्स के लिए भी जैसे नहीं लोग ले पाते हैं, तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि वो भी मास्क दें, हम उनको भी दें, और बाकी सभी कोई ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी देने के लिए मनोज जी के साथ साथ हम सभी उनके पीछे टीम वर्क के साथ तैयार खड़े हैं। मैं विवेक कुमार सिंगल, खुद जो अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ में सचिव पद पर हूँ। अब लॉकडाउन खोलना गवर्नमेंट की मजबूरी थी, परंतु हमने, हमारे संघ ने निर्णय लिया कि त्योहारी सीजन आ रहे हैं, पब्लिक बाजार में निकलेगी, बीमारी अभी जाएगी नहीं, ना वैक्सीन है अभी, तो इसका बचाव केवल थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है। सबसे बड़ा सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, कि पुलिस ये जो चालान काट रही है ये सही है? देखिए, पुलिस मैंने देखा है कि जल्दबाजी में चालान काटे जा रहे हैं, अगर किसी का मास्क नीचे हल्का सा भी हो गया तो उसको और चालान नहीं काटना चाहिए, वो गलत है। लेकिन मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, तो मास्क जरूर लगाएं, यदि कोई मास्क नहीं खरीद सकता तो कम से कम रुमाल बांध ले। यही प्रॉब्लम हमने देखी थी पहले भी कि कुछ लोग इतने भी, हमारा देश एक गरीब देश है, भारत देश मजदूरों का देश है, गरीबों का देश है, तो लोग 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाला मास्क भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हम जो मास्क लेंगे वो कम से कम 100 रुपये की कॉस्ट का होगा। हमने 100 रुपये का एक मास्क खरीदा है, वो भी इंडस्ट्री से खरीदा है, फैक्ट्री से खरीदा है, जहाँ और रिटेल में वो मास्क 250 रुपये का बिकता है, तो वो मास्क हम आज बांट रहे हैं, और 10,000 मास्क हमने आज बांटने हैं, और जिसकी की कीमत तकरीबन हमारे को सारी कॉस्ट मिला के 5 लाख से ज़्यादा पड़ रही है। राकेश साया, अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ का सदस्य हूँ। तो वैसे तो हम लोग ज्योतिष के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन ये कोविड 19 के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारे संस्था हैं, सरकार है, ये कर रही है, तो हमें भी थोड़ा योगदान करना चाहिए। तो हमने ये पहले राशन का भी था, अभी ये मास्क बंटवा रहे हैं, फिर अभी और भी सोच रहे हैं, तो इसलिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है, इससे कि लोगों को हमारे तरफ से भी जो योगदान हो सके वो कर सकते। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से अखिल भारतीय ज्योति महासंघ के द्वारा तकरीबन 10,000 मास्क दिल्ली के कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, मिंटो रोड, हनुमान मंदिर में जगह जगह लोगों में बांटे गए, आप देख ही सकते हैं न्यूज़ के माध्यम से। और साथ ही साथ इन सब की कॉस्ट जो आई वो 5 लाख रुपये, जी हाँ, 5 लाख रुपये के मास्क पहली बार किसी संस्था ने लोगों के लिए दिए हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अखिल भारतीय ज्योति महासंघ के जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सामने चल रहे स्क्रीन के नंबर के ऊपर। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हनी सहगल, दिल्ली कनॉट प्लेस।